हाय एवरीवन, फूड फॉर सोल में मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मसाला डोसे के लिए टेस्टी मसाला। अगर आपने मेरी मसाला डोसा और उत्तपम की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिखाए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये रहे इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट सेव कर लें। ये डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो चेक करना ना भूलें। आलू का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ऐसे 10 से 15 छोटे छोटे आलूओं को प्रेशर कुकर में एक सीटी लगाकर उबाल लें। इनके हल्के ठंडे होने के बाद इसी तरीके से फोक की मदद से या फिर अपने हाथों से ही इन्हें मैश कर लें। अब इसके बाद हमें चाहिए कढ़ाई, जिसमें मैं डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच तेल। फ्लेम को मीडियम रखें। यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आधी छोटी चम्मच राई और दो बड़ी कटी हुई प्याज डाल दें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक पकाना है। इसके बाद एक चम्मच जिंजर पेस्ट और स्वाद अनुसार कटी हुई हरी मिर्च डाल लें। मैंने 4 मिर्ची ली हैं, आप इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएं। फिर कुछ कड़ी पत्ते डाल लें और अच्छे से चलाएं। कड़ी पत्ता आप राई के साथ भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच फ्राइड चना दाल डाल लें। मैंने पहले से फ्राई की हुई चना दाल डाली है। आपने फ्राई करके नहीं रखी हुई है तो इस स्टेप को शुरुआत में करें, यानी कि मसाला बनाने से पहले चना दाल को 1-2 घंटे पानी में भिगो लें ताकि वो फूल जाए, और फिर पानी हटाकर तेल में राई डालने से पहले हल्का फ्राई कर लें। फिर सारे स्टेप्स वैसे ही फॉलो करें। फिर 2 कटे हुए टमाटर डालकर इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 चम्मच सांभर मसाला पाउडर डालकर मिलाएं। टेस्ट के लिए आप आराम से 2 चम्मच सांभर मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। आखिर में मैश्ड पोटैटोज डालकर मसाले के साथ इसी तरीके से अच्छे से मिला लें। इस मसाले को डोसे में भरने से पहले नमक और मिर्च ज़रूर टेस्ट कर लें। मुझे कम लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल दिए। इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट और पका लें और बस आपका मसाला डोसा तैयार है। इसको डोसे में भरकर एंजॉय करें। आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।